21 दिसंबर को झारखंड में सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इसको लेकर पेट्रोल पंप में नोटिस लगा दिया गया है। वैसे पेट्रोल पंप बंद रखने का मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी, यानी टैक्स कम कर दिया। लेकिन राज्य सरकार ने टैक्स कम नहीं की है, जिसका खामियाजा पेट्रोल डीजल पंप के मालिक को भोगना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के पास जो बकाया पैसा है वो पैसा पेट्रोल पंप के मालिक को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वैसे स्थानीय टैक्स कम होगा तो पेट्रोल पंप के मालिकों को भी फ़ायदा मिलेगा और ग्राहकों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि 21 दिसंबर को पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान एसोसिएशन ने कर दिया है। इसको लेकर शहर के सभी पेट्रोल पंप में नोटिस लगा दिया गया है। केंद्र सरकार जब से अपना सब्सिडी की कम की, उसके बाद से सभी बहुत सारे राज्यों में टैक्स कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मैंने झारखंड सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि कम करेंगे क्या करेंगे। इससे जो आम लोग हैं उस पर तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि उससे पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा तो आम आदमी को एक फायदा होगा इसमें। और इसके अलावा है कि कुछ पेट्रोल पंपों में सरकारी बकाया भी है जो समय से नहीं मिल पाने से भी कटती जाती है, ये भी एक मांग है एसोसिएशन की तरफ से। जहाँ तक हम लोगों को सूचना है, हम लोग तो हमारे पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, नुकसान तो आम आदमी को ही है, इससे हम सबको फायदा होगा, जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है। आपका पूरा नाम बताइएगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।